इस बीच करीब 1.5% 1.5% से थोड़ी ज्यादा ही इक्विटी का सौदा आपको तिलक नगर इंडस्ट्रीज में होते दिख रहा है। 6% ऊपर है ये काउंटर आज। 30 लाख शेयर्स के कई सौदे इसमें आपको होते हुए देखे। 6% नीचे है, माफ कीजिएगा, 6% नीचे है इस समय तिलक नगर इंडस्ट्रीज। 30 लाख शेयर्स के सौदे आपको होते हुए दिख रहे हैं। करीब करीब 1.5% इक्विटी का सौदा हुआ है रिसेंटली। ऑफकोर्स अच्छा मोमेंटम रहा है, अलजी की रिकमेंडेड लिस्ट में भी है रिसेंटली में। 271 के भाव पर यहाँ पर आपको कुछ बड़े सौदे होते हुए दिखे हैं। तो अलजी लग रहा है कुछ बड़े हैंड्स ने यहाँ पर सौदा किया है तिलक नगर, और लगातार हमारे भी रेडार पर रहता है। आज वैसे ब्लॉक डील के बाद थोड़ा प्रेशर इसमें आ रहा है, बट वैसे एक्शन में भरपूर रहा है तिलक नगर सर। बिल्कुल दीप, और आई थिंक जो ब्लॉक डील हुई उसी वजह से स्टॉक का दाम थोड़ा आज 5-6% नीचे है, और यह एक अच्छा मौका है उन लोगों के लिए खरीदने के लिए आज से जो खरीदना चाहते थे मिस कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से बढ़िया लेवल है एंट्री करने के लिए वापस से। जनरली आजकल के माहौल में जब भी ब्लॉक डील्स होती हैं, कुछ ना कुछ फंड्स की एंट्री होती हुई दिखती है, तो कल देखेंगे कौन से नाम सामने आते हैं, खरीदारी या बिकवाली किसने की है वो देखेंगे। लेकिन अगर फंड्स की तरफ से खरीदारी होती तो ये एक अच्छा संकेत। और मुझे लगता है कि इस पूरे स्पेस पे इस साल के लिए हम बहुत बुलिश हैं। ये सेक्टर हमने लगातार पॉजिटिव कहा है कि लीकर सेक्टर इस बार बढ़िया प्रदर्शन करेगा, और उसमें ये एक वन ऑफ द बेस्ट टर्न अराउंड स्टोरी है तिलक नगर की, जहाँ पर हमारी खरीदारी की राय। अगर आपने निचले के लेवल पर जहाँ से हमने रिकमेंड किया 225 के आसपास से वहाँ पर लिए हैं, तो डेफिनेटली होल्ड करें। और अगर आप टुकड़ों में खरीदना चाहते हैं, एक गिरावट में जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका बन सकता है, क्योंकि लोअर लेवल्स पर आप इस वक्त देख रहे हैं इसे। आइए